राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन भी पूरा रायगढ़ राममय नजर आया। देशी विदेशी मंडलियों ने मंच से रामलीला का मंचन किया और भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। रायगढ़ राममय है, दंडकारण्य में अरण्यकांड ने सबको श्री राम की भक्ति में सराबोर कर दिया है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन देशी विदेशी मंडलियों ने रामलीला कर हर तरफ आस्था और भक्ति घोल दी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। महोत्सव के दूसरे दिन 8 राज्यों की रामायण मंडली ने मंचन किया। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ की मंडलियों ने पूरे माहौल को राममय बना दिया। राम भजन की गूंज ने कानों में मिठास घोल दी। दंडकारण्य वो क्षेत्र है जहां भगवान श्री राम ने वनवास का एक लंबा वक्त गुजारा था। यहां प्रभु श्री राम की यादें बसी हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या और शबरी माँ का भी प्रदेश है। ऐसे में हर क्षेत्र में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन और भी ज्यादा खास हो जाता है। रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसकी थीम रामायण के अरण्यकांड पर आधारित है। कार्यक्रम के मंच को अरण्यकांड की थीम पर ही सजाया गया है। इस महोत्सव में अरण्यकांड पर आधारित राम कथा की प्रस्तुति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंडलियों द्वारा दी जा रही है। अरण्यकांड तुलसीदास के रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का ऐसा हिस्सा है जिसमें भगवान राम के वनवास के दिनों का जिक्र है, जिसमें सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास किया था। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 3 जून तक चलेगा। इस दौरान इंडोनेशिया और कंबोडिया के रामायण दलों का मंचन राम की व्यापकता को दिखा रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों में रामायण के जो रूप प्रचलित हैं, उन्हें रायगढ़ में देखना लोगों के लिए अनूठा अनुभव भी है। हरपाल सिंह खूटे, न्यूज 18 रायगढ़।